नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। भारतीय महिला टीम के हेड कोच के पद से अब भारत के पूर्व स्पिनर गेंदबाज रमेश पवार को हटा दिया गया है और नई जिम्मेदारी सौंप दी गई। रमेश पवार अब एनसीए में वीवीएस लक्ष्मण के साथ काम करेंगे। लक्ष्मण एनसीए यानी कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड है। वहीं फिलहाल ये तय नहीं किया गया है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हेड कोच कौन होगा, पर इस टीम के बल्लेबाजी कोच के तौर पर भारत के पूर्व खिलाड़ी ऋषिकेश कानिटकर को नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला टीम इन दिनों काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में हुए एशिया कप में भी भारत ने जीत हासिल किया था। वहीं अब इस टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला है, जो कि इसी महीने के 9 तारीख से मुंबई में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया भारत के दौरे पर 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने पहुंच रही है। वहीं सीरीज से पहले ऋषिकेश कानिटकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ जुड़ जाएंगे। ऋषिकेश ने इस पर नियुक्ति के बाद अपने बयान में कहा कि राष्ट्रीय महिला टीम का बैटिंग कोच बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे इस टीम में जबरदस्त संभावनाएं दिख रही हैं और हमारे पास युवाओं और अनुभव का अच्छा मिश्रण है। मुझे लगता है कि यह टीम आगे की चुनौती के लिए तैयार है। आगे कुछ बड़ी प्रतियोगिताएं आ रही हैं और यह टीम के साथ बतौर बैटिंग कोच मेरे लिए भी रोमांचक होने वाला है। इसी के साथ रमेश पवार ने भी अपने नए पदभार को संभालने का जिम्मा लेते हुए कहा कि सीनियर वुमेन्स टीम के मुख्य कोच के रूप में मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने कुछ दिग्गजों और देश के बढ़ते टैलेंट के साथ काम किया। एनसी में अपनी नई भूमिका के साथ मैं अपने वर्षों के अनुभव को आगे बढ़ाना चाहूंगा। बेंच स्ट्रेंथ के विकास के लिए वीवीएस लक्ष्मण के साथ काम करने को लेकर एक्साइटेड हूं। वही रमेश पवार को लेकर एनसीए हेड लक्ष्मण ने भी अपने बयान में कहा कि रमेश पवार के स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में आने के साथ हमें यकीन है कि वह अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी में लाएंगे। घरेलू आयु वर्ग क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में काम करने के बाद मुझे यकीन है कि वह खेल की बेहतरी में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मैं एनसीए में उनकी नई भूमिका में उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच पर नियुक्त किए गए ऋषिकेश कानिटकर भारतीय नेशनल क्रिकेट टीम के लिए 34 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 339 रन और 17 विकेट हासिल किए। उन्होंने भारतीय टीम को 1998 में सिल्वर जुबली कप भी जिताने में मदद की थी, जब भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ अंत में 2 गेंदों पर 3 रन की आवश्यकता थी और उन्होंने सकलेन मुश्ताक की गेंद पर चौका जड़ दिया था। उस मुकाबले में भारत के महान खिलाड़ी सौरभ गांगुली ने 124 रन की पारी खेली थी। भारत ने पाकिस्तान के तरफ से दिए गए 312 रन के बड़े लक्ष्य को हासिल कर सिल्वर जुबली कप अपने नाम किया था। उस मुकाबले को भारत ने 3 विकेट से जीत हासिल की थी। वहीं इसी साल अंडर-19 विश्व कप में भी ऋषिकेश भारतीय टीम के हेड कोच थे और उन्होंने भारतीय टीम को चैंपियन भी बनाया था। इसके अलावा वो बीते दिनों भारतीय मुख्य टीम के भी साथ भी न्यूजीलैंड दौरे पर वीवीएस लक्ष्मण के साथ थे। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते हैं क्रिकेट की हिस्ट्री। धन्यवाद।